દમણના ભાજપ કાર્યાલય ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યકાળને 8 વર્ષ પૂરા થતા ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ દિપેશ ટંડેલ તથા પ્રવક્તા મજીદ લાખાણી અને જિજ્ઞેશ પટેલ દ્વારા મોદી સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન કલ્યાણકારી યોજનાઓની વિકાસગાથા રજૂ કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી કી સરકાર એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और यही प्रतिबद्धता पूर्ण करने हेतु एवं पार्टी का जो संकल्प है एकात्म मानववाद और अंत्योदय, इसे पूर्ण करने हेतु केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक अनेक योजनाओं को लागू कर रखा है. जो प्रमुख योजना है जिनसे इस देश प्रदेश और जिला के जनहित का कल्याण हुआ है और जनहितच्छु कार्य चल रहे हैं, ये प्रमुख योजना है जनधन योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, हर घर जल मिशन, स्वच्छता भारत मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुद्रा योजना. यही योजनाओं के माध्यम से हम इस देश के सभी किसान, युवा, गरीब, महिला और कल्याण हो, उत्थान हो, ऐसे प्रयास कर रहे हैं. और आप सभी को बताते हो, मुझे आज गर्व हो रहा है कि इस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल से ये सभी योजना हम सफलतापूर्वक धरातल पे उतार रहे हैं. आप सभी को मालूम होगा कि 2014 से पहले इस देश की परिस्थिति क्या थी. ये देश में निराशा का वातावरण था, युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था, महिलाओं की सुरक्षा में चूक हो रही थी, इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी. किंतु जब 2014 में इस देश की जनता ने नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री के रूप में जनमत दिया, तब से ये सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगे. जब से प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री का नेतृत्व संभाला, तभी से उन्होंने खास करके स्वच्छता, स्वच्छता से स्वस्थता और स्वस्थता के साथ आत्मनिर्भरता, और इतना ही नहीं किंतु इन तीनों अभियानों के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के निर्माण और बहुत सारे ऐतिहासिक फैसलों के ऊपर भी काम चालू किया. आपको याद होगा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वच्छता अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने खुद सफाई अभियान चालू किया, उन्होंने खुद रास्ते पर, समुद्र किनारे पर, महाविद्यालयों में यह अभियान चलाया और जनता ने इसे पूरा सहयोग देते हुए इस स्वच्छता अभियान को जन जन का आंदोलन बना दिया. और यही स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज देश में 11 करोड़ 20 लाख शौचालय का निर्माण हुआ है. हमारे प्रदेश में भी 17,864 ऐसे शौचालय का निर्माण हो चुका है. इस तरह स्वच्छता को एक देशभर में एक आंदोलन बना दिया. और आज आप देखते होंगे तो सरकारी जगहें, जहर मार्ग, महाविद्यालय, रेलवे स्टेशन,